You have breached the fiscal discipline, we were told. The red lines have been breached. आपके आखिरी तीन सालों में फिस्कल डेफिसिट कितना था? 5.9%, 4.9%, 4.5%. And fiscal deficit means that you are borrowing and borrowing and borrowing to run the government. And because you are excessively borrowing, you are going to leave the next generation in debt. And too much borrowing, therefore, is not good for any economy itself. उस फिस्कल और ये अपेरेंट फिस्कल डेफिसिट था जो कंसील्ड था, मैं उसमें नहीं जाता. आई एम नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ द फिस्कल डेफिसिट दैट यू लेफ्ट बिहाइंड. सो 5.9%, 4.9%, 4.5%. आपसे 4.5% हमें मिला फिस्कल डेफिसिट. पहले साल में 4.1, दूसरे साल में 3.9, तीसरे साल में 3.5. इस साल हमें करना था 3.2, लेकिन हम 3.2 नहीं कर पाए, 3.5 पे रह गए. और उसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था. एंड मच इज मेड आउट ऑफ दिस फैक्ट कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले 3 महीने तो एक्साइज और सर्विस टैक्स था, अगले 9 महीने जीएसटी है, लेकिन 1 महीने का कम जीएसटी इस साल मिला. अगर फिस्कल डेफिसिट मेरा 48,000 करोड़ रुपए का है इस साल का, उसमें से 36,000 करोड़ तो वो है जो जीएसटी की वजह से कम मिला. तो दैट्स अ स्टेटिस्टिकल स्लिपेज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. सो यू मेंटेन कंसिस्टेंटली अ हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एट 5.9, 4.9, 4.5. और 5.9 फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के बाद आज हमको आप भाषण दे रहे हैं, अरे 3.2 क्यों नहीं हुआ? अरे मालूम है कि 1 महीने का जीएसटी कम है इस साल, क्योंकि मार्च का जीएसटी अप्रैल में मिलेगा.